नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ जवान शहीद। पेशावर के आर्मी स्कूल में बड़ा आतंकवादी हमला झेलने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ की चौकी पर पाक रेंजरों द्वारा की गई गोलीबारी में आज बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। गत शुक्रवार को भी पाकिस्तान की ओर से बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की गई थी। इसके बाद भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। फिल्म पीके यूपी में टैक्स फ्री। एक और जहां हिंदूवादी संगठन आमिर खान अभिनीत फिल्म पीके का पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में इस फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस फिल्म को देखने के बाद कहा है कि ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। चीनी ब्लॉगर ने कहा था एयर एशिया के विमान में सफर न करें। एयर एशिया के विमान हादसे के बारे में पहले ही एक चीनी ब्लॉगर ने भविष्यवाणी कर दी थी। खबरों के अनुसार एक चीनी ब्लॉगर ने चीन के लोगों को भी विमान में नहीं बैठने की चेतावनी दी थी। यह खुलासा रहस्यमयी चीनी व्यक्ति के ब्लॉग की पोस्ट से हुआ है। वेबसाइट इपोक टाइम्स पर चीनी भाषा में छपा यह ब्लॉग सोशल मीडिया और रेडिट सरीके डिस्कशन फोरम पर वायरल हो चुका है। उस चीनी शख्स ने 2 हफ्ते पहले अपने ब्लॉग में लिखा है कि जिन लोगों ने मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या MH370 को गायब किया, वे मलेशिया एयरलाइंस या एयर एशिया की फ्लाइट पर हमला कर सकते हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार और वेब दुनिया के सभी पाठक वर्ष 2014 का लेखा जोखा देख सकते हैं www.webdunia.com पर हमारी विशेष प्रस्तुति आईना 2014 में। और आप वेब दुनिया सर्वे 2014 के जरिए विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय भी जाहिर कर सकते हैं। वेब दुनिया के सभी पाठकों को नव वर्ष 2015 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।